दुनिया के 7 वंडर्स तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। दुनिया की कुछ अद्भुत चीजें सबका मन मोह लेती है। कोई भी चीज को वंडरफुल कहने के लिए उसमें कोई अनोखी बात होनी चाहिए, तभी उसे वंडरफुल कहा जा सकता है। जैसे दुबई की सबसे बड़ी और फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की बात देखें तो ये दुबई का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे टॉलेस्ट स्काईस्क्रेपर है, जिसमें 57 एलिवेटर्स और 8 एस्केलेटर्स है। अब ये तो एक दुबई की बात है, लेकिन दुनिया की कई कंट्रीज में अमेजिंग यूनिक चीजें देखने मिलती है। अब पूरी दुनिया घूमना सबके बस की तो बात नहीं है। इंडिया के नियर बाय प्लेसेस में जाने के लिए ही टाइम कभी कभी मिलता है, इसीलिए आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे वंडरफुल प्लेसेस बताऊंगी जो नेचुरली वंडरफुल है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। रेनबो माउंटेन्स। चाइना के रेनबो माउंटेन्स जियोलॉजिकल वंडर है। ये रेनबो माउंटेन जेंगे डेंगसिया लैंडफॉर्म में लोकेटेड है। इस माउंटेन के यूनिकनेस की वजह से 2009 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। इस वजह से काफी चाइनीज और इंटरनेशनल लोगों के लिए ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। एंजल फॉल्स। ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है और इसका नाम सेल्टो चुरुन मेरू भी है। इस वाटरफॉल की हाइट 3212 फीट है और बेस 50 फीट वाइड है। जिन्हें वाटरफॉल के साथ नेचर की सीनिक ब्यूटी देखनी है उनके लिए बेस्ट प्लेस है। इस वाटरफॉल के आसपास काफी घना जंगल है, जिस कारण ये वाटरफॉल और भी खूबसूरत दिखता है। अरंगकेल। पाकिस्तान के अरंगकेल विलेज में ये झील लोकेटेड है। इसे पर्ल ऑफ नीलम वैली भी कहा जाता है। इस प्लेस पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए ये सबसे चीपेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एंटीलोप कैनियन। एंटीलोप कैनियन नॉर्दर्न एरिजोना में बहुत ही छोटा प्लेस है, पर इस प्लेस का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन काफी वंडरफुल है और ये कोई नेशनल पार्क नहीं है। यहाँ घूमने के लिए सिर्फ 1-2 घंटे लगते हैं, लेकिन इस ब्यूटीफुल प्लेस पे 1-2 घंटा घूमना काफी वर्थ है। आप कभी इस प्लेस पे जरूर विजिट करके देखे। मॉसिन रैम। बारिश के मौसम का रियल मजा लेना हो तो इस प्लेस पे जरूर जाना चाहिए। यह वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट रीजन है, जहां बारिश के मौसम में 450 इंचेस तक एवरेज रेनफॉल होता है। इस प्लेस का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, हैविंग हाईएस्ट रेनफॉल एनुअली। ये छोटा सा विलेज मेघालय इंडिया में है। द ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के लिए कुदरत की तरफ से एक असाधारण तोहफा है। इस प्लेस में लार्जेस्ट नंबर पे कोरल रीफ मिलते हैं। नेचुरल ब्यूटी की वजह से ये मोस्ट वांटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इसके साथ ग्रेट बैरियर रीफ की अमेजिंग बात ये है कि यहाँ 900 आइलैंड है, जिनका एरिया 2600 किलोमीटर है। स्कूबा डाइविंग और वाटर स्केटिंग करने वालों के लिए वंडरफुल प्लेस है। ओइमयाकॉन। स्नोफॉल और कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें तो आपके माइंड में क्या आएगा? स्विट्जरलैंड, कश्मीर, शिमला, ये सब प्लेसेस के नाम आए होंगे। पर क्या आपको वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस पता है? इस प्लेस का नाम बहुत ही कम सुना होगा शायद। ओइमयाकॉन रशिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है अर्थ पे। यहाँ का ग्राउंड परमानेंटली फ्रोजन रहता है। अब इतने कोल्डेस्ट प्लेस पे जो सीवियर कोल्ड में रह सकते हैं वो ही जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही होटल है। सेल्जा लैंडफॉस। सेल्जा लैंडफॉस आइसलैंड में वाटरफॉल है और ये वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में आता है। इस वाटरफॉल पे अमेजिंग बात ये है कि यहाँ कई बार रेनबो दिखाई देता है और इसीलिए इस प्लेस को लैंड ऑफ नेवर एंडिंग रेनबोज भी बोलते हैं। इस वाटरफॉल के पीछे केव भी है, जहाँ से विजिटर्स वाटरफॉल में फुल एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क। फॉरेस्ट और जंगल के नेशनल पार्क तो कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने डिफरेंट लेक्स एक ही जगह पे देखे हैं? ऐसा वंडरफुल प्लेसेस बहुत रेयरली कहीं पे होते हैं। जैसे ये साउथ ईस्टर्न यूरोप का नेशनल पार्क, ये एक ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और ये प्लेस इतनी अद्भुत है इसीलिए यूनेस्को ने इस पार्क को ईयर 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। लेकिन यहाँ की इंटरेस्टिंग बात क्या है? प्लिटवाइस नेशनल पार्क का एरिया 73,000 एकर्स या फिर 297 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें ओवरफ्लोइंग वाटरफॉल्स, हाइकिंग ट्रेल्स और झरने हैं। लेकिन इस पार्क के लेक्स मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये 16 इंटरकनेक्टिंग लेक्स हैं और लेक्स में पानी का कलर चेंज होता है मिनरल्स, सनलाइट और नेचुरल ऑर्गेनिजम्स की वजह से। एक पार्क में इतनी सब नेचुरल ब्यूटी देखना सच्ची में एक अमेजिंग बात है।
तो ये है अर्थ में मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस, जो अपने यूनिक फीचर्स की वजह से काफी अमेजिंग है। एक बार इन प्लेसेस पे जरूर विजिट करना और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मेंशन जरूर करना। और आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो भी हमें कमेंट में बताना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।